साहब जी का अज 391वें प्रकाश दिहाड़ा श्री कीरतपुर साहब की धरती विखे मनाया जा रहा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और संगत के सहयोग के नाल अज ये प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा रहा है। साढ़े नाल मौजूद ने तख्त श्री केसगढ़ साहब के हैड ग्रंथी ज्ञानी फुला सिंह जी, आओ उन्हां तो इतिहास बारे जानकारी लेंदे आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी सिंह साहब, जो अज गुरु हर राय साहब जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा रहा है, इतिहास बारे चानना पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कीरतपुर साहब विखे जो सतगुरु श्री गुरु हर राय साहब महाराज जी का पावन प्रकाश, आज दे दिन पिता बाबा गुरदित्ता जी माता निहाल कौर जी दे गृह विखे होया। पितामा गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की देख रेख दे विच उन्हां दी पढ़ाई अते शास्त्र विद्या गुरु हर राय साहब महाराज जी ने प्राप्त कीती। पितामा गुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे नाल बहुत प्यार सी, बड़ा कोमल हिरदा गुरु हर राय साहब महाराज जी का, और करीब नवाज सतगुरु धन साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने अपने पोतरे गुरु हर राय साहब महाराज जी को गुरता गद्दी बख्शिश की। गुरु नानक देव महाराज जी के सिंघासन के उपर बैठ करके गुरु हर राय साहब महाराज जी ने, और हमेशा ही गरीबां दी निताणियां दी उन्हां दी सेवा दे विच रहे, मर्यादा दे विच निपुण रहे, दृढ़ता दे नाल मर्यादा दे उपर पहरा दिता। जे किते बाबा राम राय जी ने मिट्टी मुसलमान की दी थां ते बेईमान शब्द उचारण किया, उस समय भी सतगुरां ने कोई मर्यादा दे नाल समझौता नहीं किया और उस समय ही अपने पुत्र नूं बेदखल कर दिता और दोनों रिश्ते अपने पुत्र दे नालों तोड़ लए। संसारक ते अध्यात्मक कह दिता, अज तो बाद तू मेरा पुत्र नहीं ते मैं तेरा पिता नहीं, अज तो बाद तू मेरा सिख नहीं ते मैं तेरा गुरु नहीं। सतगुरु गुरु हर राय साहब महाराज जी ने साढ़े उपर बड़िया बख्शिशा कीतियां, और अज ऐसे समर्थ सतगुरु गुरु हर राय साहब महाराज जी का जो कीरतपुर साहब की पावन धरती से जिन्हों का प्रकाश होया, ये स्थान है जिथे दो गुरु साहबाना का प्रकाश होया, साहब श्री गुरु हर राय साहब महाराज जी ते धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी। जे इंज कह लईए कि यह सिखां दा दूसरा ननकाणा है, ये कोई अत कथनी नहीं है, और इस अस्थान ते आ करके जो सिखां दा दूसरा ननकाणा साहब गुरद्वारा सीस महल है, इत्थे आ करके नतमस्तक होइए, अपने जीवन नूं सुहेला बनाइए। सतगुरु जी दे पावन प्रकाश गुरपुरब दीआं आप समुचियां संगतां नूं बहुत बहुत मुबारकां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। सिंह साहब, जे गल कीती जांदी है तां इतिहास दे विच चाहे बेशक जिक्र आंदा है कि इत्थे तख्त साहब भी है ते इत्थे 9 लख बाग भी है, जेकर जानकारी दे सकदे हो इत्थे वाले तख्त दी ते 9 लख बाग दी, तां गुरु जी नाल की इतिहास जुड़िया होया? इत्थे 9 लख बाग दे विच उस समय सतगुरु गुरु हर राय साहब महाराज जी ने ना हर तरह दीआं जड़ियां बूटियां इस 9 लख बाग दे विच सतगुरु जी ने लगवाईआं, और धन गुरु हर राय साहब महाराज जी ने उस समय का सब तो वड्डा दवाखाना इस कीरतपुर साहब की धरती ते खोलिया, जिथे समय के हुक्मरान दे पुत्र का भी इलाज धन गुरु हर राय साहब महाराज जी के दवाखाने के विच होया। और इत्थे सतगुरु जी जो तखत कोट साहब है जिसनों कहा जाता किला, और इस स्थान पर बैठ करके सतगुरु जी सिखां दे फैसले करया करदे सन, और उन्हां नूं गुरमत दी रोशनी दे विच सतगुरु जी तुरन दी सिक्ख्या दिंदे सन, उपदेश बख्शदे सन, और सतगुरु गुरु हर राय साहब महाराज जी ने साडे उपर बड़ियां कृपा बख्शिशां कीतियां ने, रहमतां कीतियां ने, और सतगुरां दा इन्ना कोमल हिरदा कि जंगली जानवर सतगुरां नूं जख्मी हालत दे विच मिलदे आ ते उन्हां दी इत्थे लिया करके सतगुरु जी मलम पट्टी करदे ने, ते जदों ओह तंदरुस्त हो जांदे ने ते फिर सतगुरु जी उन्हां नूं बाहर जंगल दे विच छड्ड आउंदे ने। सो ये सन तख्त श्री केसगढ़ साहब के हैड ग्रंथी ज्ञानी फुला सिंह जी, जिन्हां ने इतिहास से चानना पवाया, ते आओ हुण तुहानूं गुरु घरां दे दर्शन करवाउंदे आ।
हर राय, सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय। सतगुरु गुरु हर राय साहब जी महाराज सच्चे पातशाह दा पावन प्रकाश पुरब है और यो पावन पवित्र धरती जिथे गुरु साहब का प्रकाश मानयोग बाबा गुरदित्ता साहब जी के ग्रह विखे माता निहाल कौर जी के कुखों इस पावन स्थान पर गुरद्वारा शीश महल कीरतपुर साहब जी विखे होया। अखंड साहब की समाप्ति होने तो बाद सतगुरु की पावन हजूरी में गुरमुख दीवान सजा हुआ, बहुत संगत आके दर्शन द्वारे करके अपने जीवन में सफला कर रही हैं। समुचिया संगतान गुरु साहब के प्रकाश पुरब दिया तख्त श्री केसगढ़ साहब जी वालों बहुत बहुत मुबारक जी। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतह। सातवें पातशाह का आगमन गुरपुरब तो संगत वाकई बहुत घट है क्योंकि अंदोलन चल रहा जट जिमीदारों का मजदूर का किसानों का सारियां का इनकी वजह करके काफ़ी जी संगत बहुत घट है। बाकी सच्चे पिता करें कि जोड़े अंदोलन में बैठे ने लोग साढ़े भरा उन्होंने जल्दी तो जल्दी मोदी अपना केस वापस लैन तो अपने घर जा कई बेचार जिमीदार जटा की और कई मजदूर बंदे जोड़े शहीद हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि 90 दिन हो गए हैं अब पूरे जिन्हों की वजह करके 100 तो उपर बंदा शहीद हो चुका है। तो साड़ी मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही इस गल का साढ़े देशों विदेशों भी अंदोलन हुए हैं बहुत पर इतों के लोगों का कोई सहाबता नहीं। जो बड़े बड़े लीडर ने उन्होंने सिर्फ कुर्सियां चाहिए ने होर कुछ नहीं कोई मरदा तो मरी जाए जिमें इन गुरु घर इन रौनक मेला हों जहाँ कि अच्छ वेख के हाँ तो बहुत संगत घट आई है उनका कारण लीजिए उ है साढ़े बयाना में भी गुरुद्वारे ने अस भी उत्तर अंदोलन किए ने बड़ी सुख शांति के नाल होर भी देशों कनेडा अमेरिका आस्ट्रेलिया जर्मनी बहुत जगह पर पर इस गौरमेंट को कोई कख नज़र ही नहीं आ रहा भी एक अनाज पैदा करने वाला इंसान वो भुखा मरे तो ये अपन कुर्सियां संभालन इस गल का बड़ा दुख है। बाकी वाहगुरु अगे यो अदार सच्चे पिता जिनी भी जल्दी हो सके इनका मसला हल होवे तो अपने जिमीदार भरा अपने जाके अपने घर मुड़न अपने परिवारों में अपनी खेतीबाड़ी का ध्यान रखन इस गल का बहुत दुख है। बाकी आपे सतगुरु महाराज पूरा कर लीजिए। सिमरो श्री हर राय रंका नु जिस राज दवाया गंदर श्री गुरु राज साहब महाराज जी गुरपुरब में मुख रखते खास रात असं पहुंची से जलंधर जलंधर तो हूँ इतने आए संगत बहुत घट है और इतने कोई वड्डा अस समझा सोचा सी कि बहुत बड़ा समागम होगा लेकिन इतने आए सी तो बस यही चलो चौक शुक्र है गुरु महाराज ने भी दर्शन दिए बहुत बहुत साढ़े वे बागन असी इतने पहुंचे हाँ। Thank you.